हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आई एम अनीता और ये मानसी। बहुत दिन के बाद हम लोग लाइव आ रहे हैं। आज फिर से बहुत अलग अलग काम चल रहा है। ये हैं विश्वा जो कि पर्शियन बना रही हैं, अभी ट्रेसिंग कर रही हैं। ट्रेसिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपको समझाती हूँ। और मानसी नाम बोलते थे, मैं भूल जाऊँगी। कविता। ये है कविता जो झरोखा कुछ अलग स्टाइल में बना रही हैं। ये है मेघा। आज अभी कुछ नहीं बना रही हैं। और ये हैं जिंकी। जिंकी जयपुर आर्ट कर रही हैं, मेरा बहुत खूबसूरत आ रहा है। और ये हैं शालिनी। हेलो। शालिनी बना रही है रिलीफ पर्शियन आर्ट, राइट। और ये हैं रश्मि। रश्मि बना रही हैं अपना तंजोर। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा तंजोर चल रहा है अभी, उसको हम यही सेम हमारा चल रहा है ऑनलाइन। और जो ये बना रहे हैं शालिनी वाला डिज़ाइन भी हमारा, ये ऑनलाइन चल रहा है। और लेटेस्ट एक ये स्टार्ट हुआ है, ये भी ऑनलाइन चल रहा है। और जो जिंकी बना रहे हैं जयपुर आर्ट, ये भी हमने कुछ डिज़ाइन पिंटरेस्ट से लिया है, लेकिन हम अपने स्टाइल में बना रहे हैं, तो वो भी चल रहा है ऑनलाइन। तो आप लोग किसी में भी जो डिज़ाइन आपको पसंद होता है उसमें जा सकते हो और उसमें एनरोल कर सकते हो ऑनलाइन। और बाकी जो है छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं, हाँ, मैं ट्रेसिंग में एक चीज़ करनी बहुत बार आप लोगों को बताई है, एक चीज़ और बता देती हूँ। इस पर वो है ब्लेड है। हाँ जी, इनके पास ही। ओके बच्चा, चलो। तो जैसे विश्वा को लग रहा है कि मेरी पूरी ट्रेसिंग हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें लगता है हमारी ट्रेसिंग हो गई, हम उसे पूरा हटा देते हैं। अगर आपने पूरी ट्रेसिंग हटा दी तो उसके बाद आप उसी जगह पे उसको दोबारा नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो सही तरीका है, जो मैं यूज़ करती हूँ, सही तरीका मतलब हम लोग करते हैं, ठीक। ये हमने चारों तरफ से टेप लगाया था, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन के टेप हमने हटा दिए, बाकी का अभी नहीं हटाया। कोई भी एक साइड आप उसको वैसे ही सील रहने दो। जब यहाँ से हटाया, इसको बुक की तरह से आपने खोल लेना है, यहाँ से निकल जाए तो और कोई भी काफी कटेगा। हाँ, हो गई। जब ये हो गई, इसको आप ऐसे हटाओगे, अपना येलो कार्बन। ट्रेसिंग में क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको कई बार मैंने दिखाया है, ट्रेस करते हुए क्या ध्यान रखना है, हटाने में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब जैसे मैं ये हटा दूँ, इसकी पिक्चर पर निकलती हूँ, तो हमेशा अपनी पिक्चर को सामने रखो और यहाँ से सब चीज़ें चेक करो। जब तुम्हें लगता है कि इतना पोर्शन, एक एक चीज़ को चेक करो, जब तुम्हें लगता है मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, तब तुम क्या करोगे, इसको वापस लेके आओगे और यहाँ से टेप लगा दोगे। शाली एक बार टेप देना बेटा। मैं डिस्पेंसर ये रखा, मैं नहीं रखती। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इस तरफ से इसको फिर से लगा देते हैं, ठीक है। और इसको इस तरफ से वापस घुमाएंगे लेटर लेटर, इस तरफ से इसको पूरा बना। और नीचे लगी है उसमें, इधर से हटे।
इधर से तो जब हम इधर से चेक कर चुके अब हम इधर की तरफ से करेंगे बहुत ही सुंदर ड्रेसिंग ये करने के बाद जैसे हमेशा क्या होता है कि मैं समझाती हूँ जैसे ये जो हमारे बॉर्डर होते हैं इस बॉर्डर को कभी भी आप सीधी लाइंस मत लगाओ हमेशा छोटे छोटे से डॉट दो जैसे इसने दिए बड़ा वाला स्केल देना एक बार जिंकी तुम अच्छी से बड़ा स्केल और एक पेंसिल जब आपने छोटे डॉट्स ले लिए उसके बाद अगर आप इसको सीधी लाइन लगाते हो तो आपकी लाइन एकदम सीधी आती है ठीक है तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें अब जब मेरा सब तरफ से चेक हो गया तब तुम इसको पूरी तरह से हटा सकते हो ओके चलो पूरा रिमूव कर लो और बाकी हम लोगों ने अभी जो अपना एक वर्कशॉप रखा था वो रखा था ये वाला क्रिस्टल डेकोवेज का बॉक्सेस में इसके साथ उसमें हमने सिखाया था चाहे वो ऑनलाइन था या यहाँ था कि अगर हमारे पास नॉर्मल टिन के डिब्बे हैं ऐसा पुराना कोई टिन होगा उसको भी आप कैसे करोगे अगर आपके पास खाली ग्लास है कोई बॉटल है उसमें कैसे करना है लेदर या कपड़े में भी मैं एक छोटा सा अभी शूट करके उस पर डाल दूंगी ऑनलाइन वालों के लिए भी तो ये सारी चीज़ों पे आप कैसे कर सकते हो वो हमने सिखाया था बाकी क्रिस्टल वाला बॉक्स के ऊपर ग्लास के ऊपर टिन बॉक्स पे तो ये सारा है अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं और यहाँ वाला एक दिन का तो वर्कशॉप हमारा ओवर हो चुका है बहुत जल्दी अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो वर्कशॉप है शायद जयपुर आर्ट का या किसी का तो एक दिन का या दो दिन का रखेंगे तो किसी को भी एनरोल करना हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं बाकी एक कुछ कुछ मानसिक बहुत कुछ प्लान कर रही है आप लोगों के लिए कि इतने सारे स्टूडेंट हैं जो हमें फॉलो करते हैं बहुत दिल से धन्यवाद फिर से आप सबका मानसी कुछ प्लान कर रही है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पे या इंस्टा पे या हमारे फेसबुक पेज पे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा वीडियो देखते भी हैं शेयर भी करते हैं और बहुत कुछ उसके साथ करते भी हैं तो बहुत कुछ आपके लिए मानसी प्लान कर रही है कि आप लोगों के लिए किस तरह से वो कुछ एक गिफ्ट हम लोग भी भेजें ताकि आप लोगों के साथ भी वो चीज़ खुशी हो और आप उस चीज़ को जो आपने देखी है सीखी है आप लोग बना पाए तो मानसी आप लोगों को अच्छे से समझा पाएगी और ये सारे स्टूडेंट जो जो कर रहे हैं ये रश्मि जी अपनी तंजोर की अभी फिलिंग पे आ रहे हैं हाय फ्रेंड्स ये राधा कृष्णा बना रही हूँ अभी मैं अभी कोन वर्क चला है बेस कम्प्लीट हो चुका है ऊपर कोन वर्क करना है थोड़ा इन्जॉय कर रही हूँ फिफ्थ का मैंने मिस किया टीचर्स डे का मॉम डैड आ गए थे लेकिन हाँ। मैंने बहुत मिस किया पर मैं सीखूंगी मैम आपसे बाद में पक्का और बहुत इंजॉय कर रही हूँ ये इस पर मैं थोड़ा सा स्टोन्स को बड़े स्टोन्स को इस पर मैं अंदर से डाल के ऊपर से गोल्डन फ्लोर डाल रही हूँ तो देखते हैं कैसा वो बनता है बहुत अच्छा बनेगा हाँ। इसमें रश्मि दोनों तरह से काम करने वाली है जिसमें स्टोन नीचे और ऊपर से गोल्ड होगा और फिर हम कट कैसे करते हैं वो होगा और ऊपर से लगाने वाले भी होंगे तो दोनों तरह से टेक्निक होगी और शालिनी कर रही हैं मैं ये कलरिंग पे आ गई हैं हाँ जी मेरे ये आज कलरिंग शुरू हुई है और मेरे ये आज ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ आज मैम ने मुझे फर्स्ट टाइम मैंने कभी शेडिंग नहीं करी थी मैंने कभी ऑयल पेंट यूज नहीं करे थे और मैम ने आज मुझे ब्लू ये फ्लावर्स बनाने सिखाए और बहुत सुंदर भी आ रहे हैं बहुत प्यारे आ रहे हैं एक एक करके एक एक कलर को कवर करते चलो बहुत अच्छा आ रहा है और जिंकी अभी हमारी नई स्टूडेंट है हाय आई एम जिंकी मैं यहाँ जयपुर आर्ट सीख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं मैम के पास आके पर्सनली सीख पा रही हूँ थैंक यू आई एम थॉरली एंजॉयिंग माय वर्क और जिनकी सीखने आई थी कैंडल हमारे पास जो इंक्वायरी आई थी वो आई थी कि मैं आपसे कैंडल सीखना चाहती हूँ लेकिन यहाँ आके कलर्स वगैरह मैंने भी इतना हैंडल नहीं किया था दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं इतने हैंडल कर रही हूँ ये सब कर रही हूँ तो लेकिन बहुत सुंदर आ रहा है बहुत बहुत थैंक यू हाँ ये मेघा हैं जो कम से कम 8 या 9 टेक्निक कर चुकी हैं और ये आई थी मुझसे लड़ने की मुझे सिर्फ तुमसे वो सीखनी है ग्लास पेंटिंग ग्लास अभी तक नहीं सीखी बात को सीख लिया और कविता क्या सीखने आए थे तंजोर अच्छा नाउ आई एम मेकिंग झरोखा
हाँ झरोखा हमारा जो मुगल स्टाइल है उसके साथ बना रही हैं। ये अभी तो मेरा टेबल सेंटर टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। बहुत खूबसूरत वो एक सेंटर टेबल की तरह हम यूज़ कर रहे हैं वो ये हाँ नहीं वो नीचे का शायद दिखेगा नहीं, ये रहा, ये हमने दो स्टूल्स बनाए थे उसके ऊपर ग्लास टॉप है तो वो पूरा वो हो जाता है। एक बार यहाँ से एक बार जरा सा हट जाए तो दिख जाएगा। ये रहा, ये हमारे जो स्टूल्स थे उसके ऊपर हमने ग्लास टॉप रखा है और ये मेरी सेंटर टेबल बनी हुई है। तो यही चीज़ कविता बना रही हैं झरोखे में। तो झरोखा हमारा ये एंटीक वाला तो चल ही रहा था ऑनलाइन, बाद में हम मुगल वाला भी करेंगे, तो इस तरह से ये इसको बना रही हैं। और ये वाला पर्शियन का नया चल ही रहा है। तो मानसी बहुत जल्दी आप लोगों को वहाँ पे, अगर आप लोग हमारे पेज पे या यूट्यूब पे हमारे साथ हैं तो वहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। गिव अवे अलर्ट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग हमारी बहुत सारी जो यूट्यूब पे हेल्पफुल वीडियोस होती हैं उसको देख के बहुत बहुत कुछ क्रिएट करते हैं और हमें भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि लोगों तक हमारी बात पहुंच पा रही है, इसलिए वो इतना अच्छा उसमें परफॉर्म करते हैं। सो हम चाहते हैं अभी हम एक वीडियो सेलेक्ट करेंगे और एक टेक्निक का हम डालेंगे उसके अंदर, तो उसमें जब से ज़्यादा जिसकी एंट्रीज हमारे पास आएंगी कि उसमें लोगों ने क्या बनाया कैसे बनाया और उसमें हम अपने अलग अलग क्वेश्चंस डालेंगे, आप उनके आंसर्स करेंगे। सो जिसके सबसे ज़्यादा आंसर्स होंगे हमारे YouTube चैनल पे, हमारे Facebook पेज पे, हमारे Instagram पेज पे, हम उनमें से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे अपने लकी विनर को एंड उस पर्टिकुलर टेक्निक का पूरा मटेरियल किट हमारी तरफ से आपको एज अ गिव अवे दिया जाएगा। हाँ, आई होप आप फॉलो करते रहिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को, यूट्यूब चैनल को, हमारे आपका जो फेसबुक पेज है AKR & Painting Classes, तीनों हैंडलर्स सेम नाम से है। हाँ, और कोई भी क्वेरी हो आपकी वर्कशॉप्स के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9582858532 पे। अपना नंबर भी बोल दो। हाँ यस, और अगर कभी वो नंबर बिजी आए तो आप 9811599076 पे भी बात कर सकते हैं या आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं हम लोगों के। एक मन से एक चीज़ मैं और बता दूँ, वो बच्ची का नाम क्या था, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अच्छा फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग मुझे कहते हैं कि क्या मैं मटेरियल भेज दूँगी, तो मैं आपको यही कहती हूँ मटेरियल भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन देखो मैं भी कहीं से मंगा रही हूँ, मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ ज़्यादातर सामान, यहाँ गुड़गांव में मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं जानती भी नहीं हूँ इतना, तो मैं वहाँ से मंगाऊँगी, आप लोग कुरियर से मंगाओगे तो उसमें डबल चार्ज क्यों देना है ना, ऑनलाइन आजकल सब मिलता है। हम जब आप हमारे को ज्वाइन करते हो तो पक्की बात है कि जो सामान आपको नहीं मिल रहा, मेरे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, तो हम आपको सारे लिंक शेयर कर देते हैं कि वो चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगी, आप आराम से अपने आप ले सकते हो, जरूरी नहीं आप मुझसे क्यों लोगे। लेकिन एक छोटी सी बात, एक बहुत प्यारी मेरी अभी तक वो खैर स्टूडेंट नहीं है लेकिन फॉलोअर है और मैं उसको हमेशा ढूंढना चाहती थी कि वो कौन है, क्योंकि जब देखो मेरा हर वीडियो शेयर करती थी, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ शेयर करते हैं, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता था उसको देख के, उसके कमेंट्स पढ़ के, कोई प्रॉब्लम भी है तो वो लिखते थे। फर्स्ट टाइम वो सामने से आया कि वो मुझसे पर्शियन सीखना चाहते हैं, बट बहुत ढूंढा मार्बल डस्ट नहीं मिला। तो मैं आप लोग इतना प्यार करते हो सिर्फ इसलिए, कोई उसमें कुछ और कुछ नहीं है रीज़न, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी जब मार्बल डस्ट इकट्ठा उठाती हूँ ना तो कई बार 50 किलो 100 किलो मुझे एक साथ लेना होता है, तो मेरे पास है। तो अगर कोई ऐसी जगह पे, अगर आप इंडिया से बाहर हो तो ऑब्वियसली यहाँ से भेजना मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, कोई सेंस नहीं, लेकिन अगर आप इंडिया में हो कहीं भी हो, मार्बल डस्ट मेरे पास है तो बिलीव मी कोई भी उसमें दो चीज़ें नहीं है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और सिर्फ इस मारे काम नहीं कर पा रहे, मार्बल डस्ट नहीं मिल रही, बट पहली बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आपको लिंक भी शेयर करती थी, बट जिन्होंने उस लिंक पे से भी मंगाया कई बार बहुत ख़राब आया, इसीलिए हम लोग शेयर करते हुए भी डरते हैं कि उसमें हमारा कोई लालच नहीं, लेकिन फिर भी गलत सामान आ जाता है। तो मेरे पास मार्बल डस्ट है, आप मेरे स्टूडेंट हो और काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ आप अपना पूरा एड्रेस भेजो, मुझे व्हाट्सअप करो, कॉल करो, अपना एड्रेस पूरा भेजो, जो भी कुरियर होगा वो प्लीज़ वहाँ जाने के बाद आप लोग दे देना, लेकिन मार्बल डस्ट यहाँ से मैं भेजूँगी जिसके कोई भी चार्जेस नहीं। और ये इसलिए नहीं कि आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, सवाल ही नहीं है, अभी तक भी करना होता तो बहुत पहले करती, पहली बार वो लक्ष्मी बच्ची जो है सामने आई और उसने बोला मैम बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो इतना महंगा खरीदने से अच्छा है, पक्की बात है, वो मैं आपको
हेल्प कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, आप इतना प्यार करते हो इतना तो हम कर सकते हैं आपके लिए। और बाकी जो मानसी अभी स्टार्ट करने वाली है, अगर आप उस चीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो पक्का जो मानसी लिखेगी आप उसके आंसर दे सकते हैं। तो जिस भी टेक्निक के लिए वो होगा, जैसे अभी हमारा जो ये लास्ट था डेकोपेज का, क्रिस्टल डेकोपेज का, तो उसका था, या अभी किसी भी चीज़ का करेंगे तो कोई भी, या अगर हमारी इसी का शायद जाए तो किसी का भी होगा, अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग फॉलो कर रहे हो तो रेंडमली मानसी निकालेगी यूट्यूब, हमारा फेसबुक पेज और इंस्टा, उन तीनों में से किसी भी एक को निकालेंगे। और जो होगा वो यही क्लास में स्टूडेंट्स के सामने होगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई भी पार्शलिटी होने वाली है, जिसका भी नाम निकलेगा तो आप लोग के जितने भी उसमें होंगे किसी भी एक को पिक किया जाएगा और आपके पास वो पूरी किट आ जाएगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अभी फिर से बहुत कुछ नया नया बन रहा है, एक बार फिर से आपको घुमा देख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे इन सबके फाइनल उसके साथ। और हमारा जो डेकोपेज का था वो एक ही दिन का था, उसमें 10 लोगों ने एनरोल किया था, तो अब उसके बाद जो लोग कह रहे हैं तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता उसी चीज़ को रिपीट करना, क्योंकि अभी सब लोग जयपुर आर्ट के लिए चाहते हैं या ज्वेलरी आर्ट चाहते हैं, तो कुछ नए के साथ जो भी सब लोग चाहते होंगे हम लोग फिर से एक वर्कशॉप डालेंगे, तो किसी को भी करना है तो प्लीज़ टाइम पे करिएगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए, मानसी और मेरी तरफ से दिल से थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।